कॉमी 3 का इंटरव्यू, मुझे भी सबसे ज्यादा डर लगा था जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया था कॉमी 3 के लिए। आप सब लोगों को भी बहुत ज्यादा डर लगता होगा जब आप पहली बार इंटरव्यू के लिए जाते हो या जाना चाहते हो आगे फ्यूचर में। चाहे आप कॉन्टिनेंटल कुजीन के कॉमी 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसकी जॉब पाना चाहते हो, चाहे आप एक इंडियन कुजीन के कॉमी 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो चाहते हैं या फिर उसके लिए उसकी जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग पहली बार अप्लाई करते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उनका जवाब दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, क्वेश्चन हार्ड तो नहीं होंगे, कहीं मुझसे फूड ट्रायल के लिए तो नहीं बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मन में इतनी ज़्यादा होती है कि हमें डर लगने लगता है। तो इस वीडियो में आप लोगों के डर को भी कम किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब आप पहली बार कुछ कदम उठाते हो इंटरव्यू वगैरह देने के लिए तो थोड़ा डर लगता है, पर वही चीज़ें जब रेगुलर आपकी हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू तो लाइफ भर देना है, हम लोग अभी भी इंटरव्यू ही दे रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि आपको उस चीज़ का फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू को, चाहे आप कॉन्टी या इंडियन या किसी भी डिपार्टमेंट का बोल दीजिए, मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है ताकि आप उसको आसानी से समझ पाओगे। और साथ साथ आप इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो कि हमेशा इंटरव्यू से डरते हैं, अपने फूड ट्रायल से डरते हैं, ताकि उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो और वो ईजिली जाके किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर पाएँ। हम लोग इंडिया में जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हम, चाहे हम कॉमी 3 के लिए जा रहे हैं, चाहे हम इंडियन के लिए जा रहे हैं, कॉन्टी के लिए जा रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। उसके बाद जब हमें फूड ट्रायल्स वगैरह के लिए बुलाया जाता है तो वो सारी चीज़ें फिर अलग हो जाती है। चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बोला, मैंने यहाँ पे इंटरव्यू को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ पाओ। पहला पार्ट यहाँ पे है बेसिक्स का। आपको आपके बेसिक्स बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मेरी भी बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी बच्चों ने ले भी रखी है, आप भी ले सकते हैं। बेसिक्स आपको स्ट्रांग रखने हैं, चाहे आप इंडियन कुजीन कॉमी 3 के लिए जाना चाहते हैं या कॉन्टिनेंटल कॉमी 3 के लिए जाना चाहते हैं, चाहे गारमंजर हो गया, बूचरी हो गया, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने ही चाहिए। यहाँ पर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे नहीं आता है, तो सिंपली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है बेसिक्स का, मतलब बेसिक होता है, यहाँ पे कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होती है आप लोगों को। सिंपल कुछ 10 या 12 चैप्टर्स होते हैं जिनको कि अगर आप ईजिली समझ लेंगे तो आप सब कुछ ईजी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि भैया एक साल में मैं सिर्फ 100 पेज भी नहीं पढ़ सकता, अगर 100 पेज को भी अगर हम लोग एक साल में डिवाइड करते तो एक दिन में आपको एक पेज को पढ़ना और समझना है। जब आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, और मेरी मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक्स को आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके रखना है। अगर जैसे कि मैं आपको ये सारी बातें बता पा रहा हूँ आज, मैं इसलिए ही बता पा रहा हूँ, मैंने आज से 10-15 साल पहले अपने बेसिक्स को मजबूत किया था। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह आप 10 साल बाद किसी को ऐसे भाषण दे रहे हों, ऐसे किसी को लोगों की हेल्प कर रहे हों, लोगों को बता रहे हों, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सेम इंटरव्यू में ही आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस। अब ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस, आप इसको फूड ट्रायल भी बोल सकते हैं। अगर आप एक कॉमी 3 के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर कॉन्टिनेंटल के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो बेसिक डिशेस होती है आपसे वो बनवाया जाएगा। सिंपली अगर आप चाहते हैं कॉमी 3 के लिए, कॉन्टिनेंटल के लिए, आपको एक सैलड बनाना होगा, एक सूप बनाना होगा, आपको एक मेन कोर्स बनाना होगा, मेन कोर्स के अंदर आप चिकन बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं, आप पास्ता बनाना होगा, और एक वेजिटेरियन आपको डिश बनानी होगी। तो ये सिंपल 4 या 5 डिशेज आप बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर किसी ने पहले जेटी करी होगी किसी होटल में, जॉब ट्रेनिंग या आईटी उसने करी होगी, तो ये इजीली वो सारी चीज़ें कर सकता है। अगर आप तब भी अगर आपने आईटी और जेटी में ये सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं तो सिंपली मेरी बुक्स भी हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, अगर आप लिख के भी ये सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा, जो इंडियन कुजीन के कॉमी होते हैं, अगर उन्होंने भी जेटी करा है या फिर कहीं से आईटी करी है पहले, तो उनको ये सारी चीज़ें ईजिली आ जाती हैं। अगर आप एक इंडियन कॉमी 3 के लिए जा रहे हो तो आपको एक बेसिकली दाल बनानी होगी, एक राइस बनाना होगा, आप नॉनवेज की डिशेज़ बना सकते हैं 1 या 2, आपको इसके बाद एक सूखी सब्जी हो गया, एक गीली सब्जी हो गया, और आपके कुछ कबाब आप चाहे नॉन वेज और वेज दोनों दे सकते हो, अगर आप इसको तंदूर का भी आप ट्रायल देना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बना के देनी होती है। आप सिंपली
आप कोई बड़ी बड़ी रेसिपीज के पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए, सिंपल बेसिक डिशेस बनाइए, क्योंकि कौमी थ्री के लिए मैं क्या पूरी दुनिया के हर कोई शेफ़ देखता है कि भाई उसके बेसिक्स क्लियर है, जो वो मुँह से बोल रहा है, जो थ्योरी में बता रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बेसिक्स का बोला, अगर आप इंडियन कुजीन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने इंडियंस के बेसिक भी यहाँ पे क्लियर करने हैं। तीसरा, यहाँ पे बात आती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपने शेविंग करी होनी चाहिए, आप सिंपली ब्लैक शर्ट और अपनी जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के जा सकते हैं, ब्लैक शूज़ पहन के जाइए, सॉक्स पहन के जाइए। और इसमें यहाँ पे जब भी आप जाते हैं तो आपको एचआर से पहले आपकी मुलाकात होती है, तो आप जो भी एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपको उनका आंसर देना आना चाहिए। यहाँ पे सिंपली आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपका बैकग्राउंड, कहाँ से होटल मैनेजमेंट किया, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे भी होना चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों में तकलीफ़ हो रही है तो मेरी एक एचआर जॉब की बुकलेट है, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। साथ साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचआर के द्वारा, मैंने सिंपली वहाँ पे वो भी लिखे हैं, उनके आंसर भी लिखे हैं, जिनको कि आप एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपने अगर पहले ही कॉलेज में अगर ध्यान दिया है तो वहाँ से भी आपको यही सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी। तो यही तीन क्राइटेरियाज होते हैं जो कि एक शेफ़, एक एचआर मैनेजर आपको कौमी थ्री के तौर पे हायर करने से पहले देखता है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख देना, मेरा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अब कॉन्फिडेंटली कौमी थ्री के ट्रायल के लिए जा पाएंगे। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।